Children, I hope you are taking care of yourself. Today we will be revising the third chapter of Hindi literature, Jal ki Upyogita. Water is very useful for us. पानी हमारे कैसे उपयोगी है, आज हम इसके बारे में बताएंगे आपको. आधी छुट्टी के बाद जब हिंदी की अध्यापिका श्रीमती निशा जैन अध्यापक कक्ष से निकली तो उन्होंने देखा कि कुछ नलों से पानी टपक रहा है. वे समझ गए कि भोजन करने के बाद बच्चों ने नलों को ठीक तरह से बंद नहीं किया होगा. वे नलों को ठीक से बंद करने के बाद ही कक्षा में गईं. सभी बच्चों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया, यानी स्वागत किया. उन्होंने सभी को बैठने का संकेत करते हुए कहा, आज मैं तुमको जल के महत्व के बारे में पढ़ाऊंगी. गर्मी के दिनों में जब तुम्हें बहुत प्यास लगती है तो तुम क्या करते हो, फ्रिज से ठंडे पानी की बोतलें ही निकालते हो ना? तभी बच्चे ज़ोर से बोले, हाँ मैडम, तब हम खूब पानी पीते हैं. अध्यापिका ने पूछा, क्यों? बच्चे बोले, क्योंकि हमें प्यास लगती है. अध्यापिका बोली, तुम सबने ठीक कहा, पानी के अलावा हमारी प्यास किसी और चीज़ से नहीं बुझ सकती. अध्यापिका की बात सुनकर अर्पित बोला, प्यास लगने पर मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, मेरी प्यास तो बुझ जाती है. अध्यापिका बोली, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से प्यास अच्छी तरह नहीं बुझती. जब बहुत अधिक प्यास लगती है तब हम गटागट बहुत सारा पानी पी जाते हैं, तब कोल्ड ड्रिंक इतना थोड़ी ही पी सकते हैं. प्यास लगने पर तो पानी ही पीने में मज़ा आता है, कोल्ड ड्रिंक पीने में नहीं. अध्यापिका की बात सुनकर ज़्यादातर बच्चों ने हामी भरी. अध्यापिका बोली, जरा सोचो, प्यास लगने पर अगर तुम्हें पानी ना मिले तो क्या होगा? शुभम बोला, तब हम प्यासे ही मर जाएंगे. बात के बीच में नीरज बोला, पर पानी क्यों नहीं मिलेगा मैडम? अध्यापिका ने बताया, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसके कारण पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है. हम नदियों, तालाबों, कुओं से पानी प्राप्त करते हैं लेकिन उनमें कूड़ा कचरा डाल के उन्हें गंदा भी कर रहे हैं. गंदे पानी का होना ना होना दोनों बराबर ही है, क्यों मैडम? अनिल ने पूछा. भला कोई गंदा पानी पीता है? रोहित बोला. इस पर अनिल ने कहा, लेकिन गंदा पानी पेड़ पौधों में तो डाल सकते हैं ना? अध्यापिका ने जवाब दिया, हम मटमैले पानी को तो पेड़ पौधों में डाल सकते हैं लेकिन उस पानी को नहीं जिसमें कारखाने के दूषित पदार्थ मिले होते हैं. इससे तो सारे पेड़ नष्ट हो जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे. अध्यापिका आगे बोली, गर्मी के दिनों में नदियों पानी तालाबों का जो जल सूख जाता है वह वर्षा के रूप में हमें फिर से मिल जाता है, परंतु हमारे देश में कभी ज़्यादा वर्षा होती है तो कभी कम. सब जगह एक समान वर्षा नहीं होने के कारण कभी सूखा पड़ता है तो कहीं बाढ़ आ जाती है. बाढ़ में वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है और जान माल का भी खतरा रहता है. सूखा पड़ने पर लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं, नहाना दोनों तो दूर, पानी के लिए पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता. मीलों पैदल चलकर लोगों को पानी लाना पड़ता है लेकिन हमारे शहरों में जहाँ पर्याप्त पानी है वहाँ लोग हमें खूब बर्बाद करते हैं, वहाँ लोग इसे खूब बर्बाद करते हैं. अभी मैंने खुले नलों को बंद किया है, अगर यूं ही पानी टपकता रहा तो एक दिन हम बूंद बूंद को तरस जाएंगे लेकिन तब हमारे बश में कुछ नहीं होगा. कक्षा में एकदम सन्नाटा था, बच्चे ध्यान से अध्यापिका की बात सुन रहे थे. वे बोली, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि जल कितना मूल्यवान है. ऐसे मूल्यवान जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को नहीं. अब तुम सब बताओ कि इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हो. आकृति बोली, ज़रूरत पूरी होने के बाद नल हमेशा बंद रखेंगे. इसके अलावा अध्यापिका ने पूछा, पानी का उतना ही प्रयोग करेंगे जितनी ज़रूरत हो. रुचि बोली, बहुत अच्छा, कुछ और बातों का ध्यान रखो. जब ब्रश करो तब नल को मत खोलो, जब कुल्ला करो तभी नल खोलो, इससे बहुत पानी बचता है. नहाते समय शावर और फवारा खोल कर मत नहाओ, बाल्टी और मग का प्रयोग करो, इससे पानी कम खर्च होता है और फर्श को पानी से धोने की बजाय पोछा मारकर ही साफ कर लो, इससे बहुत पानी बचता है. फल सब्जी धोने के बाद पानी को पेड़ पौधों में डाल दो, इससे पानी बेकार नहीं होगा और पेड़ पौधों को भी लाभ पहुंचेगा. इस प्रकार कपड़े धोते, बर्तन साफ करते और कार स्कूटर आदि धोते समय अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो बहुत सारा जल बचाया जा सकता है, अध्यापिका ने कहा. घंटी बजी तो अध्यापिका फिर बोली, आज से तुम सब पानी की बचत और उसका उचित उपयोग करना शुरू कर दो क्योंकि जल ही जीवन है. सभी बच्चों ने सिर हिलाकर हामी भरी, भविष्य में जल का सही ढंग से प्रयोग करने का वचन दिया. इससे आपको क्या समझ में आया कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है, पानी का यूज़ होने के बाद उसको बंद कर देना है. तो सेव वाटर, पानी को कैसे हम सेव कर सकते हैं, वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है.
वी मस्ट क्लोज द टैप आफ्टर यूज, पानी के नल को यूज़ करने का उसको बंद कर देना है। वी मस्ट रिपेयर लीकिंग टैप, मतलब हमें जो पानी चू रहा है उसको नलों को रिपेयर मरम्मत कराना जरूरी है। वी कैन यूज रेन वाटर इन वाटर प्लांट्स एंड क्लीन द हाउस, मतलब बारिश के पानी से हम प्लांट्स और घर को साफ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।